सिरसा से एक और बड़ी खबर, जहां इनेलो नेता अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर हमला बोला है। कृषि मंत्री रहते पशु मेलों के नाम पर डकारे करोड़ों रुपए, ये आरोप लगाया है अभय चौटाला ने। सरकारी धन ठगने के लिए कराई थी पशुओं की कैटवॉक। धनखड़ के महंगाई वाले बयान पर भी अभय चौटाला ने सवाल उठाए हैं। सत्ता में आने पर महंगाई बढ़ाने का वादा किया था। विरोध के कारण बीजेपी जेजेपी नेता बाहर नहीं निकल सकते, ये बात अभय चौटाला ने कही है। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखा। तो सिरसा से बड़ी खबर, इनेलो नेता अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर उन्होंने हमला बोला है। कृषि मंत्री रहते पशु मेलों के नाम पर डकारे करोड़ों रुपए, ये गंभीर आरोप जो है अभय चौटाला ने लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी धन ठगने के लिए ये कैटवॉक कराए गए। धनखड़ के महंगाई वाले बयान पर भी उन्होंने सवाल उठाया। विरोध के कारण उन्होंने कहा है कि बीजेपी जेजेपी के जो नेता हैं वो बाहर नहीं निकल सकते। इसके अलावा उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी तंज कसा है। चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखा, ये बात अभय चौटाला ने कही है। तो बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं, सिरसा में अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण दोनों नेता बाजार में सब्जी खरीदने भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें हर गली कूचे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 5 साल कृषि मंत्री रहते हुए धनखड़ ने पशु मेलों से करोड़ों रुपए के घोटाले किए, गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि धनखड़ महंगाई के उनके बयान पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है अपने महंगाई के वादे को भूल गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल की नीतियों को बेचने का काम किया है।